नमस्कार, हमारा राजस्थान देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूँ दिव्या तिवारी और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं पीसीसी, जहां पर सचिन पायलट इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। न्यूनतम आय योजना, उसके बारे में भाजपा अनेक प्रश्न उठाती है। अगर 10 लोगों के ऋण माफी के लिए बीजेपी की सरकार 3 लाख करोड़ रुपए इस्तेमाल कर सकती है, तो देश के 20% सबसे गरीब परिवारों के लिए हम लोग 3 लाख करोड़ ला सकते हैं। मध्यम वर्ग पर अतिरिक्त टैक्स लगाए बिना इतना रिसोर्स जनरेशन हम लोग कर सकते हैं। हमने पहली बार भारत के इतिहास में अपने GDP का 6% एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए ईयरमार्क किया है, और ये बहुत बड़ा एक क्वांटम जंप है जो हम लोग पैसा देते हैं। और मैं मानता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में जो पैसा लगता है वो एक्सपेंस नहीं है, वो एक निवेश है, ताकि आने वाली पीढ़ी को बेहतर शिक्षित हम लोग कर सकें। देश में ये दावे किए गए थे कि नोटबंदी करने से अलगाववाद, नक्सलवाद, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। आप सभी जानते हो गढ़चिरौली में पिछले दिनों एक बहुत घातक हमला हुआ, 16 हमारे CRPF के जवान शहीद हुए। उससे कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ में माओवादियों ने हमला किया, भाजपा के एक विधायक की जान गई। पुलवामा, उड़ी, गुरदासपुर, तमाम जगहों पर आतंकियों ने, हमारे देश के अंदर अलगाववादियों ने, नक्सलवादियों ने लगातार प्रहार किए हैं। LOC पर लगातार बमबारी जारी है और बढ़ती चली जा रही है। हमें, खासकर वो लोग जो दिल्ली में सत्ता में आसीन हैं, उनको आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि इतनी बड़ी मात्रा में जो आपने क्लेम किया था कि इन चीज़ों को जड़ों से हटा देंगे, उसमें लगातार वृद्धि हो रही है। बजाय इसके कि उसका जवाब दें, हमारे जो सैनिक हैं, हमारे जो CRPF या पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, वर्दीधारी नौजवान जो जंगल में, बर्फ़ में, रेगिस्तान में हम लोगों की सुरक्षा करते हैं, उनके शौर्य और वीरता की आड़ में अपनी 5 साल की नाकामियां छुपाना चाहते हैं। पूरा देश और दुनिया जानता है कि भारत की आंतरिक या अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई भी नज़र उठा के देखेगा, उसको वही मुँह तोड़ जवाब मिलेगा जो मिलना चाहिए। और ये पहले भी हुआ है, आगे भी होगा, चाहे प्रधानमंत्री कोई भी हो, सरकार किसी की भी हो, इसमें ना तो कोई किसी को दोराय होनी चाहिए, ना कहने या सोचने में संकोच होना चाहिए। हमारे सैनिकों के शौर्य बलिदान का मान सम्मान पूरा देश करता है, इसमें अगर किसी को कोई आशंका है तो मिटा देनी चाहिए। लेकिन चुनाव होना चाहिए गवर्नेंस के इश्यूज़ के ऊपर, चुनाव होना चाहिए। आपने जो कहा निवेश हो, उद्योग लगे, मैं तो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहता हूँ, कितने उद्योग लग गए भारत सरकार के माध्यम से। जनता ने मन बदला, 3 महीने पहले हम लोगों को स्पष्ट बहुमत दिया, सेवा करने का मौका दिया। हमें लगता है कि हम अपने मिशन में कामयाब होंगे। मैं राजस्थान के अलावा कुछ राज्यों में प्रचार करने के लिए गया था। ये मेरा आकलन है कि दक्षिण भारत में भाजपा का खाता भी नहीं खुलेगा, और जिन राज्यों में लगभग सभी सीट बीजेपी पिछली बार अपने जुमले और झूठे वादे देकर जीती थी, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, सभी जगह भारी गिरावट उनके संख्या बल में आने वाली है। और हम लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, सिर्फ कांग्रेस के व्यक्ति जीत के संसद में पहुंच जाएं या सरकार कांग्रेस पार्टी बना ले, इसके लिए नहीं लड़ रहे हैं। ये चुनाव, जैसा मैंने शुरू में कहा था, हमारे लोकतंत्र में, हमारे गणतंत्र की जो जड़ें हैं, हमारे जो संवैधानिक संस्थाएँ हैं, जिनको 60-70 साल तक सभी लोगों ने इतना मजबूत बनाया, उन तमाम संस्थानों को चुन चुन कर कमज़ोर करने की कोशिश केंद्र की सरकार कर रही है। और ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशंस हैं, ये देश की धरोहर है। हमारे भारत के आसपास के मुल्क में देख लीजिए आप, लोकतंत्र कमज़ोर क्यों है? क्योंकि वह इंस्टीट्यूशंस की वैल्यू नहीं है। पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, चीन है, जहाँ पर भी आप देखिए, जहाँ संस्थानें कमज़ोर हुई हैं, वहाँ लोकतंत्र कमज़ोर हुआ है। और आज RBI का क्या हाल है, CBI का तो आप सभी जानते हैं, रात के 2 बजे निदेशक को, डायरेक्टर को बर्खास्त करते हैं, कोर्ट रीइंस्टेट करता है, CBI CBI पे छापा मार रही है, ED को नोटिस दे रहा है, और भाजपा के विरोध में कोई बोल जाए तो उस पर छापे पड़ेंगे, नोटिस मिलेगा, रेड होगी। भाजपा का विरोध करना राष्ट्र विरोधी हो गया है, इस तरह की चर्चा भाजपा के नेता करते हैं। लेकिन देश बहुत संवेदनशील है, मतदाता बहुत समझदार हैं, और हमें लगता है कि इस प्रकार की जो दबाव की राजनीति है, आक्रमण की राजनीति है,
द्वेष की राजनीति है, जहर घोलकर एक नकारात्मक माहौल पैदा करने की जो राजनीति है उसके खिलाफ नौजवान भी हैं, किसान भी हैं। आज सबसे बड़ा इशू देश में है बेरोजगारी का है, किसानों का है, एग्रेरियन क्राइसिस जो हमारे ऊपर है, आर्थिक जो इमरजेंसी है किसानों के ऊपर, उसके लिए